सभी को मेरी तरफ से सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सो इस वीडियो में मैं पढ़ूंगा वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि कालिदास लिटरेचर के बारे में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको इस तर ब्लैक बॉर्डर्स में आपको नोट किया हूँ कि ये क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसका। सो अगर आप मेरा पिछला वीडियो जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी के बारे में था, आई इवन हैव डिस्कस्ड अबाउट टू हाउसेस, हाउ इट प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दोनों हाउस के बारे में डिस्कस किया था और उस हाउसेस में कौन कौन सा मीन्स इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, कितने मेंबर्स को, 256 मेंबर को, कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर्स को, और इंडियंस को कितना ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे टू हाउसेस में, वो भी मैं उस वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन उसका एक मेन फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेट क्या है, वही मैं इसमें अंडरलाइन किया हूँ। दे एप्रेंटेड दैट द अचीवमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक फ्रीडम बाय द पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वुड अंडरमाइन द ऑटोक्रेटिक रोल इन देयर ओन स्टेट्स। ठीक है, मतलब बाय द पीपल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वुड अंडरमाइन द ऑटोक्रेटिक रूल ऑफ देयर ओन स्टेट। They also fear the accession to the federation would bring under the autocratic of federal government of India in some essential matter. So, जब ये पॉलिसी का लागू हुआ था, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोक्रेसी का पॉलिसी या फिर एक्ट लागू हुआ था 1935 में, उस समय क्या हुआ था, मीन्स जो भी स्टेट्स होते थे, अपना रिस्पेक्टिव स्टेट्स होते थे, उस रिस्पेक्टिव स्टेट्स में एक मीन्स एक अथॉरिटी अथॉरिटिक मेंबर था। जैसे कि हमारा डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे कलेक्ट्रेट का पोस्ट रहता है, उसी प्रकार उसमें भी था। तो वो क्या करते थे और उनका जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता था और उनका जो भी ब्रिटिश फॉर्मुलेशन होता था, डेमोक्रेटिक फंक्शनलिटी होता था, वो सारा उस ओन स्टेट में वो फॉर्मुलेट कर देते या फिर लागू कर देते थे, वही इसमें दिया गया है। मीन्स उसका अचीवमेंट्स क्या है डेमोक्रेटिक ऑफ ऑटोक्रेसी। ठीक है, तो फिर मैं उसका एक्सप्लेनेशन भी इसमें दे चुका हूँ। लेकिन उससे पहले मैं 25 नंबर डिस्कस करूँगा, जो कि इस वीडियो का मेन मोटो है या फिर इंटेंशन ऑफ डिस्कसिव पॉइंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ कालिदास इज नॉट बेस्ड ऑन द थीम ऑफ फिमिलर टू वैदिक एंड पुरानिक लिटरेचर। अगर हम कालिदास के बारे में डिस्कस करें, इफ वी यूजुअली डिस्कस अबाउट the deeds done by Kalidas, then we even prefer that Kalidas was one of the great literature, one of the great poet who has mesmerized, I repeat, who has mesmerized lot of audience by the poem, by the act he usually preferred. So that's the reason why Kalidas became more famous in the art of literature, in the art of poetry. So let me have some explanation about the Kalidas literature and how the theme familiar to which of the following. So agar dekhe Kalidas ke bare mein, so Kalidas he means jo bhi theme wo likhte the, us theme se related ek question hai ki which of the following work of Kalidas is not best. Aapko question bahut achhi tarah aana chahiye ki not best, Kalidas not based on theme familiar to Vedic and Puranic literature. Puranic and Vedic literature से related नहीं है, कौन सा means वैदिक या फिर पुरानिक लिटरेचर से वो belong नहीं है या फिर belong नहीं करता है। ठीक है, वो है अभिंजन शकुंतला। ठीक है, अभिंजन शकुंतला जो कि नॉट बेस्ड ऑन फिमिलर थीम विथ वैदिक एंड पुरानिक लिटरेचर से वो बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, वही इसमें दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि अभिंजन शकुंतलम वो है जो भी लिटरेचर का फिमिलरेशन हुआ था कालिदास के दौरान, वो वैदिक एंड पुरानिक लिटरेचर से बिलोंग या फिर बेस्ड नहीं करता है। ठीक है, अगर आप इसमें एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, जैसे कि हम जानते हैं कालिदास को क्या बोलते हैं, शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सो द मोस्ट एडमायर्ड सांस्कृत ड्रामेटिक वॉज कालिदास, सांस्कृत ड्रामेटिक। उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणे न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्राभिसन्ति मुखे मृगः। शेर के मुँह में कभी हिरण नहीं जाता है, शेर के मुँह में कभी हिरण नहीं जाता है जब तक शेर अपना
शिकार खुद नहीं करता था। उसी प्रकार कालिदास भी माने जाते हैं एक शेर की तरह, जो कि पोएट्री एंड लिटरेचर में कुछ कुछ बहुत ही बड़ा हासिल कर चुके थे। तो उसी प्रकार एडी ऑफ एनो डोमिन ऑफ 400, ही इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिक इवेंट बॉर्न एंड इज नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। हिज बेस्ट प्ले ऑफ अभिजन शकुंतलम, नेम्ड आफ्टर हिज हीरोनिक, इज बेस्ड ऑन रोमांटिक स्टोरी इन द महाभारत। ठीक है, तो उसी प्रकार वो क्या मीन्स उस अभिजन शकुंतलम में क्या हुआ था, उस अभिजन शकुंतलम हीरोनिक एक्सप्रेशन ऑफ रोमांटिक स्टोरी के बारे में डिस्प्ले किया था या फिर डिस्प्ले हुआ था, जो कि एक्ट वन ऑफ द बेस्ट एक्ट बाय होम, वन ऑफ द बेस्ट एक्ट बाय कालिदास भी माना जाता है। ठीक है, सो उसके बाद यही दिया गया है कि मेघदूत, द क्लाउड ऑफ मैसेंजर, द क्लाउड ऑफ मैसेंजर डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द वुड एज ए जियो बिटवीन, सॉरी नॉट जियो, इट्स द क्लाउड ऑफ मैसेंजर डिस्क्राइब हाउ क्लाउड एक्ट एज ए गो बिटवीन फॉर टू सेपरेट लेयर्स, इट कंटेन्स वन इलाबरेट डिस्क्रिप्शन ऑफ लव एंड नेचर। सो मीन्स रोमांटिक स्टोरीज के, या फिर ही यूजली सिग्निफाई रोमांटिक स्टोरीज बिटवीन वन ए क्लाउड एंड दर इज वन हाउ द लैंड यूजली मैचेस। सो दिस इज हाउ द मेघदूत क्लाउड ऑफ मैसेंजर, द क्लाउड मैसेंजर यूजली एक्ट लाइक, और द एक्ट ऑफ एक्ट ऑफ एक्ट बाय कालिदास, वन ऑफ द प्रिफरेबल पोएट्री और वन ऑफ द प्रिफरेबल एक्ट्स, बेस्ट नोन प्ले बाय होम बाय कालिदास। सो ही इज ऑल्सो नोन एज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, विच इज ऑलरेडी आई मेन्शन। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द वन ऑफ द लिटरेचर बेस्ड क्वेश्चन बाय कालिदास। थैंक्स यू, थैंक यू, थैंक यू।